मैं तो कहता हूँ जो दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल हो, नामुमकिन हो, नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हम लोग समझते हैं कि मोदी साहब कैसे हैं और हमारे लिए कितने वो एक कारगर साबित हुए हैं। जो काम कई धाकियों से नहीं हो रहा था वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया और हमको प्यार दिया, उस प्यार को हम नहीं भूल सकते हैं। मैं काबुल में काम कर रहा था, गुरुद्वारे में सेवा कर रहा था, मेरे को गुरुद्वारे से ले गया तालिबान ने। मैं बहुत खुश हूँ, जब मैं जिंदा हूँ ये हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान मेरे साथ जितना बोलो फिर भी कम है। खासतन मोदी जी मेरे साथ बहुत मदद की है। उन्होंने अफ़गानिस्तान से हमारे लोगों को जहाज़ भेज के मंगाया, गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता, रामायण ऐसी पुरातन पुस्तकें जो 400-500 साल पुराने ऐतिहासिक धरोहर थे, वो चीज़ें सारी आई इधर। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जैसे कि CA का मसला था और कई FRRO में प्रॉब्लम थी, हमें आने जाने की प्रॉब्लम थी, ये सारी प्रॉब्लम अगर सॉल्व हुई हैं, पीछे 25 साल से सॉल्व नहीं आई, जब से ये BJP गवर्नमेंट प्रधान जी श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं उस समय से हमारी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने अफगान सिखों और हिंदुओं को मौत के मुँह से निकाला। जब वहाँ एयरपोर्ट बंद हो गए थे, इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ गए, उनको खतरे के मोल से निकाला, उसकी जितनी भी सराहना की जाए थोड़ी है। अफ़गानिस्तान के हिंदू सिख के अलावा जो अफ़गानिस्तान की अदर जो मुस्लिम लोग भी हैं वो भी सब इनको इतना प्यार करते हैं जो जिसकी कोई हम अब तक बता नहीं सकते। और जो इनिशिएटिव लेते हैं वो एकदम कड़क लेते हैं, सख्त लेते हैं, जिससे हमारा बिल्कुल हमारे लिए सब के लिए, हिंदू सिख मुसलमान सब के लिए सबका भला होता है इसमें।